दोस्तों आप देख रहे हैं नीलम सिंह का ये वीडियो। दोस्तों वीडियो ब्लॉग वीडियो होगी जो कि मैंने पूरे दिन की सुबह से लेकर शाम तक की वीडियो बनाई है। उसमें मैं सुबह की चाय से लेकर शाम तक के डिनर तक का आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगी। ये इनका चाय का टाइम, चाय टाइम करो टीवी। देखो देखो ये सब पैर घुसाए बैठे हुए हैं ब्लोवर में और ये अपना जूता घुसाई है, ये जूता घुसा के सेक रही है। बताओ कितनी इनको वो लगेगी गर्मी, लड़ाई कर रहे हैं दोनों। अरे ये हटाओ गाना, देखो ये टीवी देख रहे हैं हम लोग और यहाँ पे पैर सेक रहे हैं और ये इनका जो है ऊपर एक गाना चल रहा है। तो जल्दी से बर्तन धो लेते हैं, ठंडी में तो बस आग ही सेकते रहो बैठ के और या तो फिर रजाई में बैठे रहो, काम करने को तो मन ही नहीं करता। ऊपर से ये बर्तन धोना, खाना खाना तो बन ही जाएगा, इसे जल्दी काम करो। मेरे घर में काम वाली भी नहीं है, जब से लॉकडाउन हुआ एक बार काम वाली को निकाला, उसके बाद काम वाली हमें लगाई ही नहीं है, आने ही नहीं दे रहे हैं ये लोग काम वालियों को टाउनशिप में। तो आज मुझे गाजर की दो चीज़ें बनानी हैं, एक तो गाजर का हलवा और दूसरा गाजर मटर की सब्ज़ी। तो इसमें से कुछ गाजरें हम छांट लेंगे, जो मोटी गाजर है उसका हलवा बना लेंगे गाजर का, और जो पतली गाजर है उसका उसकी सब्ज़ी बना लेंगे। तो इसमें से छांट लेते हैं गाजर। वैसे तो बहुत ज़्यादा गाजर नहीं लाए हैं ये मुझे लगता है ये गाजर और ये गाजर, चार लोग हैं हम लोग घर पे, चार लोगों के हिसाब से मुझे बहुत ज़्यादा गाजर नहीं चाहिए सब्ज़ी के लिए, तीन गाजर काफ़ी है। और ये पांच गाजर हम बचा ले रहे हैं हलवे के लिए। और मैं आपको बताऊँगी कि मैं सिर्फ आधे घंटे में गाजर का हलवा कैसे झटपट बना सकती हूँ। तो आज गाजर का हलवा बनेगा और सबसे पहले मैं सब्जी के लिए गाजर को काट लेती हूँ। सब्जी बनाने के लिए गाजर को इसको पहले छीलने से छील लेंगे, इस तरह से छील लिया हमने। दो ही गाजर हमें बनाने, हमारे यहाँ सिर्फ चार लोग हैं और चार लोगों में बहुत थोड़ी सब्जी लगती है, बहुत ज़्यादा नहीं लगती है। और गाजर के गाजर मटर की सब्ज़ी के साथ चावल भी बनाएंगे। तो इस तरह से गाजर मटर की सब्ज़ी और चावल और रोटियां भी बनेंगी। तो ये हमारी ये गाजर हो गई रेडी। और दोस्तों आज बहुत ज़्यादा ठंडी है, पिछले तीन दिनों से धूप नहीं निकली है, धूप के दर्शन नहीं हुए। ये बाहर का मौसम आप देखिए किस तरह से लग रहा है। अभी सुबह के 11 बज रहे हैं और 11 बजे कुछ भी बाहर नहीं दिख रहा है, ऐसा कि सूरज की कोई भी रोशनी दिख रही हो। और 17 डिग्री टेम्परेचर है, 17 डिग्री सुनने में थोड़ा लगता है ज़्यादा लेकिन कम है, क्योंकि बिल्कुल वैसा ही फील हो रहा है जैसे फ्रीजर जैसे फ्रिज में रखा हुआ सामान हम निकालते हैं, इतनी ठंडी होती है, बस उतनी ही ठंडी मुझे महसूस हो रही है। ना तो छत पे कपड़े सूख पा रहे हैं ढंग से और ना ही कुछ काम हो पा रहा है। इस तरह से यहाँ पे बहुत सॉफ्ट रहता है, फटाफट कट जाता है, लेकिन जो जैसे जैसे नीचे हम जाएंगे नीचे वाला भाग बहुत टाइट रहता है। इसके चार भाग भी करने हैं और ये मोटा भी रहता है और कड़ा भी रहता है। तो इस तरह से हमारी ये गाजर कट चुकी है। अब मटर लाएंगे और इसके सारे सामान सारी सामग्री तैयार कर लेंगे और इसकी सब्जी हम बना लेंगे मटर के साथ। और यहाँ पे हमारा दूध उबल रहा है,
थोड़ी देर में ये दूध उबल जाएगा। ये गाजर मटर हमने इसमें से ले ली है। अब हमारे ये प्याज और लहसुन भी कट चुका है। यहाँ पे हम टमाटर कम से कम 3 टमाटर लेंगे। तो इस तरह से हमारे 3 टमाटर हो गए, क्योंकि अगर ग्रेवी हमें गाढ़ी बनानी है और थोड़ी खट्टी बनानी है तो खट्टी ग्रेवी बनाने के लिए हमें टमाटर की मात्रा थोड़ी ज़्यादा लेनी होगी। हमारा ये तेल गर्म हो रहा है, इसमें हम एक एक करके सारे सामान डालेंगे और गाजर मटर की सब्ज़ी बना लेंगे। ये हींग हमने ले ली है थोड़ी सी, इसमें डाल दिया तेल में। उसके बाद अभी हमने जो पहले से प्याज और काट के रखा था इसको भी हम तेल में डाल देंगे, चलाएंगे। चलाने के बाद इसमें हम सब्जियां डालेंगे और फिर मसाले डालेंगे। तो ये बनने के लिए तैयार है। तब तक ये हमारा प्याज इसमें ब्राउन हो रहा है। और तो इस तरह से हमें 3 टमाटरों को काट लेना है। ये हमारा टमाटर, ये हमारे टमाटर कट चुके हैं। अब इसमें ये हमारा प्याज जो था मैंने इसमें डाला था, ये ब्राउन हो चुका है। अब इसमें मैं ये सब्जी डाल दूंगी। ये सब्जी यहाँ पर भूंज रही है, इसका जब पूरा पानी जल जाएगा, सब्जी में जो पानी निकल रहा है, जैसे ये मटर है, मटर का पानी है और गाजर का पानी, ये सारा जल जाएगा। उसके बाद हम इसमें टमाटर डालेंगे। टमाटर में जो पानी निकलेगा उसकी वजह से मसाले के लिए हमें अलग से पानी नहीं डालना पड़ेगा। मसाले टमाटर के पानी की वजह से अच्छे से इसमें भुन जाएंगे। तो सब्जी ने ये तेल छोड़ दिया है, ये देखिए कलछुल में दिख रहा है तेल। तो इस तरह से सब्जी ने तेल छोड़ दिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक डालेंगे, थोड़ा नमक डाल देंगे। अपने स्वाद अनुसार मैं इसमें अपने स्वाद अनुसार 3 चम्मच नमक डाल देती हूँ, क्योंकि मेरी चम्मच बहुत छोटी सी है, इसलिए मैं इसके हिसाब से 3 चम्मच डालती हूँ नमक। तो ये हमारा गाजर मटर की ये सब्जी। अब इसमें ढेर सारा हमने इसमें टमाटर डाल दिया है और गाजर डाल दी, मटर डाल दी और इसमें सारे मसाले डाल दिए। अब ये इस तरह से भुन गया है और इसमें तेल छोड़ दिया है। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। तो इस तरह से अब इसमें पानी ऐड करेंगे, करीब 1 गिलास पानी हमने इसमें डाल दिया है सब्जी के हिसाब से। और ये अभी इतना पतला है और जब ये पक जाएगा तो ये गाढ़ा हो जाएगा। जब इसमें एक उबाल आ जाएगा तो हम इसे ढक देंगे धीमा करके। तो ये सब्जी हमारी बन चुकी है, देखने में कढ़ाई में कितनी खूबसूरत लग रही है और ये खाने में भी उतनी ही स्वादिष्ट है जितनी ही देखने में खूबसूरत लग रही है। इसका खट्टा मीठा स्वाद होगा क्योंकि इसमें टमाटर की मात्रा बहुत ही अधिक है और मीठे के लिए कहेंगे तो गाजर, तो इसलिए इसका स्वाद खट्टा और मीठा, खट्टी मीठी गाजर मटर की सब्जी। तो दोस्तों, गाजर का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले मैं गाजर को इस तरह से 4 भाग में काट लूँगी। तो ये हमने इसके 4 भाग कर दिए हैं। इस तरह से हम इसको काट लेंगे सब्जी की तरह, बड़े बड़े टुकड़े में हमने
गाजर को काट लिया है। अब करना क्या है, इसको कद्दूकस नहीं करेंगे, बस इसको हमें इस तरह से इस जार में डाल लेना है। और इसको मतलब इतना हमने लिया है इतना ही और ले लेंगे, कम से कम यहाँ तक ले लेंगे गाजर को। और उसके बाद हम इसको मतलब दरदरा सा इसको पीस लेंगे, एकदम दरदरा जैसे कद्दूकस किया रहता है गाजर, बिल्कुल उसी तरह से ये हमें दिखेगा पीसने के बाद। तो ड्राई फ्रूट में ये थोड़े बादाम, काजू और किशमिश, पिस्ता भी है, लेकिन पिस्ता भुजा वाला है तो मैं पिस्ता नहीं डाल रही, बच्चों को पसंद भी नहीं है, इसलिए मैं इन्हीं तीन चीज़ों को डाल रही हूँ हलवे में। और ये अभी गाजर का पानी लगभग पूरा सूख चुका है अच्छे से, इसमें पानी बिल्कुल नहीं है, देखिए कढ़ाई में बिल्कुल चिपक रहा है। चीनी डालेंगे, चीनी डालने के बाद चीनी का पानी जो इसमें छूटेगा उसे भी हम जलाएंगे। तो करीब ये हमारी आधी कटोरी चीनी है और इसे अब मैं हलवे में डाल रही हूँ। तो ये हमने चीनी डाल दी, अब इसका इसमें पानी जो निकलेगा उसे भी हम इसमें जला देंगे पानी को। उसको जलने में बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट लगेगा, तक ये पानी इसका जलता है और हम इस ड्राई फ्रूट को काट लेते हैं। तो ये खोया हमने इसमें डाल दिया है और ये देखिए धीरे धीरे इसमें खोया मिक्स हो जाएगा और ये हमारा गाजर का हलवा एकदम रेडी है। दोस्तों तो ये लीजिए गर्मा गर्म मिनटों में तैयार होने वाला गाजर का हलवा। झटपट बनने वाला गाजर का हलवा। यहाँ पर पत्ता गोभी के पराठे बनाने के लिए मेरी पत्ता गोभी काटी जा रही है, जो कि इस तरह से ये गिलास की सहायता से पत्ता गोभी को छोटे छोटे पार्ट्स में काट लेंगे और पराठे बनाने के लिए तैयार हो जाएगी। अब पूरी कट जाएगी तो मैं आपको फिर से दिखाऊंगी कि पत्ता गोभी गिलास से हम छोटी छोटी किस तरह से काट सकते हैं। इधर हमारी पत्ता गोभी रेडी हो गई है पराठा बनाने के लिए, देखिए ये गिलास से कितनी महीन कटी है। हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इसको मिक्सी में पीसें या फिर किसी तरह से कुछ भी करें, हम इस तरह से पराठा बनाने के लिए या फूल गोभी हो या पत्ता गोभी हो इस तरह की मतलब गिलास से हम इसको काट सकते हैं, बिल्कुल महीन पराठा बनाने के लिए या फिर पकौड़ी बनाने के लिए बहुत ही अच्छी कटी है। तो ठंडियों का आनंद अगर उठाना है तो ये गर्मा गर्म चीज़ें घर में बनाइए और अपनों को खिलाइए और खुद खाइए। शाम के खाने में हमने पत्ता गोभी के पराठे और गाजर का हलवा बनाया था और ये हमने प्लेट में गाजर का हलवा और पत्ता गोभी के पराठे और सॉस के साथ सर्व किया है। तो ये रहा शाम का हल्का फुल्का डिनर।